जनरल ऑफर, अ जनरल ऑफर इज नॉट मेड बाय स्पेसिफाइड पार्टी, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड पार्टी पे नहीं करते हैं जनरल ऑफर. जनरल ऑफर ना पूरे पब्लिक पे रहता है, एट लार्ज, ठीक है, सबको ऑफर करते हैं हम उसमें. जनरल ऑफर में वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है, और कोई भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन देयरफॉर एक्सेप्ट द ऑफर एंड हैव द राइट टू रिवॉर्ड या रिकंसिडरेशन का, ठीक है. तो ये देखो, ये जनरल ऑफर, सपोज एग्जाम्पल देखो, ए एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर देखो, ए एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर दैट हूसोएवर फाइंड हिज मिसिंग सन देखो वुड बी रिवॉर्डेड विथ ₹2,00,000. तो बी रीड करता है, बॉय उसको मिल जाता है, इन्फॉर्म करता है. तो देखो, ए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर रहा है, यानी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो क्या है, न्यूज़पेपर वाली जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या हो जाएगी, जनरल पब्लिक के लिए हो जाएगी. तो इसलिए वो जनरल पब्लिक में एट लार्ज किया जाता है, इसलिए उसका नाम दिया ये जनरल ऑफर. नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक ऑफर में क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रख के किया जाएगा. इट इज द ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, और जिनको हम ऑफर कर रहे हैं उन्हीं को ही एक्सेप्ट करना है, उनके अलावा और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है. सपोज ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी, तो ये ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को किया गया है और वो कौन है, बी, ठीक है, तो बी ही इस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. नेक्स्ट देखो, इसमें क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है, देखो ए के पास कुछ है बी को ऑफर करने के लिए, ए ने ऑफर किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बी क्या करता है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेंज करना चाहता है और वो कुछ और टर्म्स रखना है. तो बी ने क्या किया, क्रॉस ऑफर किया, डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के बजाय उसने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करवा दी. देखो, टू पार्टीज मेक अ क्रॉस ऑफर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इट मींस बोथ मेक द सेम ऑफर एट द एग्जैक्ट टाइम टू ईच अदर, हाउएवर इन आइदर केस द क्रॉस ऑफर विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टिंग द ऑफर. देखो, क्रॉस ऑफर में ना एक चीज और होती है, सॉरी मैंने ना आपको कुछ गलत बताया. देखो, मैंने अभी जो आपको ये बताया ना वो काउंटर ऑफर था, ठीक, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ए ने कुछ ऑफर किया बी को, ठीक है, और बी ने उसके सामने कुछ कंडीशंस रखी, ये काउंटर ऑफर था, ठीक. क्रॉस ऑफर में क्या होता है, सेम ऑफर चलता है, सेम, लेकिन दोनों पार्टीज ना अनअवेयर रहती हैं, बोथ पार्टीज आर अनअवेयर कि दोनों सेम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है. देखो, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा है, ए एंड बी बोथ सेंड लेटर्स टू ईच अदर ऑफरिंग टू सेल एंड बाय बी हाउस एट द सेम टाइम. इसको नहीं पता है कि बी भी यही सोच रहा है और बी को भी नहीं पता होता है कि ए भी यही सोच रहा है, तो जब दोनों सेम ऑफर करते हैं एक दूसरे को तो वो हो जाता है क्रॉस ऑफर. और जो मैंने बताया था कि ऑफर को काट के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखना, वो हो जाता है आपका काउंटर ऑफर. ये आया समझ में, टाइप्स ऑफ ऑफर? यस मैम. देखो, अब मेन टॉपिक पे आओ. अब नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स ऑफ ऑफर. एक ऑफर के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक. ऑफर मींस प्रपोजल. इसमें फर्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस. एक्सप्रेशन है, देखो
काम करने की इच्छा है इसलिए वो एक्सप्रेस किया है, ठीक है, अपनी विलिंगनेस को क्या करते हैं अपन इसमें एक्सप्रेस करते हैं ऑफर में। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो एक सेकेंड पर्सन होता है अनदर पर्सन, और थर्ड होता है इसमें टू ऑब्टेन द एसेंट, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टू ऑब्टेन द एसेंट सामने वाले की, चाहे वो यस हो या फिर नो हो, तो उसका क्या है वो एसेंट हमको पता करना है, ठीक है। तो विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, ये थे एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। अब आप देखो इसमें लीगल रूल्स टू ऑफर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, इसमें जब भी आपसे एग्जाम में ऑफर पूछेगा तो आपसे लीगल रूल्स जरूर पूछेगा, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। अब देखो अगर अब आपसे पूछता है फीचर्स ऑफ ऑफर तो भी आप ये लीगल रूल्स बताएंगे, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पूछेगा तो भी आप लीगल रूल्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो भी यही, और नेचर पूछेगा तो भी यही बताएंगे आप क्या, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। अब अपन इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, लीगल रिलेशन क्या होता है बताओ, बताओ लीगल रिलेशन क्या होता है, लीगल रिलेशन मींस क्या, लीगली है ना, लीगल चीजें होनी चाहिए सपोर्टेड बाय लॉ, ठीक है। और अभी देखो ये तो सिर्फ ऑफर चल रहा है, अभी तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसका एग्रीमेंट बनना जरूरी है, किसका, ऑफर का, और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है कि नहीं, फिर एग्रीमेंट जब बन जाए और उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि लीगल रिलेशन क्या होता है, सिंपल, अभी तो सिर्फ ऑफर कर रहे हैं, देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, अभी तो सिर्फ सामने वाले के मन में इच्छा आई है किसी काम को करने के लिए और वो उसके लिए क्या कर रहा है, अभी सिर्फ ऑफर कर रहा है मीन्स प्रपोजल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सामने वाले की नियत की बात हो रही है, समझो इंटेंशन, जो सामने वाले का जो इंटेंशन है, जो ऑफर रख रहा है उसका इंटेंशन सही होना चाहिए, ठीक है, कि वो लीगल रिलेशन रहे, मतलब लीगल रिलेशन इट मींस कोई भी इलीगल काम नहीं करवाएगा, तो जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसका इंटेंशन क्लियर कट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीगल रिलेशन के लिए नहीं सोच रहा है इट मींस वो अनलॉफुल एक्टिविटी भी हो सकती है, प्लस फिर वो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, और जब वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो नॉट सपोर्टेड बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन की बात हो रही है कि सामने वाले का इंटेंशन साफ सुथरा होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, प्लस एग्रीमेंट करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन मीन्स इट मीन्स वन शुड बी रेडी टू मेक एन एग्रीमेंट, आ रहे समझ में, क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट बन जाएगा वो लीगली बाइंड हो जाएगा ना, एग्रीमेंट कर लिया मीन्स पेपर वर्क साइन कर दिया, आ रहे समझ में, yes, ma'am. किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, ठीक है, सर्टेन मतलब सर्टेनिटी, कॉन्स्टेंट है ना, ऐसे नहीं कि फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज 50,000 की है तो उस पर सर्टेन होना चाहिए, कोई काम 5th Jan को होना की बात हो रही है तो उसी दिन ही होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए काम कि वो फ्यूचर की उस पर डिपेंड करता है, तो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए ऑफर, और कोई वैग नहीं होना चाहिए, मतलब बकवास नहीं होना चाहिए,
नेक्स्ट देखो, द ऑफर मस्ट कम्युनिकेटेड टू द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफरी कौन होता है? एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी होता है. ये ऑफर, हाँ, ऑफरी कौन है? जो एक्सेप्ट करता है. तो ऑब्वियस है ना, ऑफर किसको बताएंगे अपन? ऑफरी को. जब तक हम उसको नहीं कम्युनिकेट करेंगे तब तक ऑफर कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना. तो द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. फोर्थ पॉइंट देखो, ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट. ठीक है, देखो क्या लिखा है. ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट. एसेंट का मतलब है उसकी सामने वाले की, हाँ ठीक है. एसेंट मतलब सामने वाले की इच्छा को जानना. तो ऑफर कब ध्यान में रखना चाहिए? सामने वाले की हाँ या ना, यानी उसके एंसर को ध्यान में रखते हुए ही ऑफर किया जाता है. अगर कोई आपको एसेंट नहीं देगा और आप सिर्फ ऑफर कर रहे हैं तो वो ऑफर कहाँ कहलाएगा? वो तो एक टाइप का डिक्लेरेशन हो जाएगा ना, या एक नोटिस के जैसे हो जाएगा. आ रहे समझ में? यस मैम. नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. देखो आप जो ऑफर कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जब सामने वाला आपको हाँ या ना में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, द नॉन कंप्लायंस. जब सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हाँ समझेंगे. विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक. तो ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसमें सामने वाला अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आप ये नहीं समझें कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट हमने दिया था, 6 दिन का सपोज टाइम दिया था, और उस 6 दिन में अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हाँ बोल दिया, ठीक है. तो ऐसा कोई टर्म उसमें नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट देखो अब, सिक्स पॉइंट देखो, इफ स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन एन ऑफर. ये स्पेशल है, ठीक है. अगर कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस इंक्लूडेड हैं तो वो भी आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है. दे मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. आ रहे समझ में? तो वो भी हमको क्या करना है? सामने वाले को कम्युनिकेट करना है. कोई डाउट है इसमें? नो मैम. ठीक है. और एक लास्ट पॉइंट, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, अलग होना चाहिए, ठीक है. एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. ये आप लोगों की बुक में पॉइंट दिया होगा, ठीक है. जो आप एंडी कपूर से आप पढ़ रहे हैं ना, रेफर आप उसी बुक से कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट जरूर दिया होगा. एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. एक मिनट देखो, इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड कर देना. अ डिक्लेरेशन ऑफ
इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट. सेकेंड है एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस. देखो इस पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑफर है ठीक है वो डिफरेंट होना चाहिए किससे. सपोज कई कई बार क्या होता है, लोग कुछ उनका इंटेंशन होता है कुछ डिक्लेयर कर देते हैं या अनाउंस कर देते हैं ठीक है. डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट सेम वर्ड है ठीक है. तो आपका जो ऑफर है ठीक, और एक जो डिक्लेरेशन है, या कोई पर्सन या कभी कुछ क्या करता है अनाउंसमेंट कर देता है, तो आपके उस ऑफर में और उस डिक्लेरेशन में हमेशा एक डिफरेंस होता है. ऐसा नहीं आपने कोई चीज अनाउंस की है तो वो ऑफर हो गया, नहीं, ऑफर हमेशा अलग होता है. अब देखो सपोज इसके एक एग्जाम्पल देखो. डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है अपना इंटेंशन बताता है कि मैं ऐसा करने का सोच रहा हूं, है ना, सोच रहा हूं, कर नहीं रहा है, या सामने वाले के माइंड में जो चीज इंटेंशन आ रहा है वो सामने वाले को अभी उसने कम्युनिकेट किया नहीं है. देखो कम्युनिकेशन हो रहा है बट यहाँ पे अनाउंसमेंट जैसे हो रहा है और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं हो रहा है. सपोज अगर किसी ने ऑक्शनर है ठीक है, एक ऑक्शनर है उसको चेयर्स ऑक्शन करनी है, तो उसने न्यूज़पेपर में बोल दिया ठीक है दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वुड बी ऑक्शनड. तो इसने सिर्फ अनाउंस किया है, समझ में आया. ऑफर कब होगा, उसमें जो पर्टिकुलर प्लेस बताई होगी वहां पे जाएंगे लोग, बैठेंगे, उससे पर्सनली मिलेंगे, उससे प्राइस डिसाइड करेंगे, ये एक्सेप्ट करेगा, तब वो ऑफर होगा. लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर में इसने एडवर्टाइजमेंट दिए कि वो ऑफिस फर्नीचर का क्या करने वाला है, ऑक्शन करेगा. तो ये क्या हुआ, एक तरीके से डिक्लेरेशन हुआ, न्यूज़पेपर में दिया उसने, अनाउंस करवाया ठीक है. दूसरा चीज, या फिर अगर एक फादर है ठीक, वो अपने सन इन लॉ को बोलता है अगर कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी डॉटर की होगी ठीक है. सपोज मैंने बताया एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, तो पहले हम किससे कर रहे हैं, डिक्लेरेशन से. तो सपोज एक फादर इन लॉ है, वो अपने सन इन लॉ को बोलता है कि आफ्टर मैं, मतलब मेरे जाने के बाद, कि माय प्रॉपर्टी वुड बी माय डॉटर. तो इसलिए वो उसको भी राइट दे नहीं रहा है, वो सिर्फ उसको बता रहा है कि मेरे जाने के बाद ठीक. तो ये सब डिक्लेरेशन में आता है. अब नेक्स्ट देखो इसमें, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिक्लेरेशन. सेकेंड, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर ठीक है. जैसे विंडो शॉपिंग डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है ना, गुड्स एक शॉप है समझो, यहाँ पे गुड्स मैनिक्विन पे ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इट मीन्स वॉट, वो इन्विटेशन है कि आप आओ और देखो. आ रहे समझ में. जैसे कोटेशंस वगैरह होते हैं, कैटलॉग्स वगैरह दिखाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है ना फॉर एग्जीबिशंस वगैरह सेलिंग के लिए ठीक है. तो ये इनविटेशन दिया जाता है टू पब्लिक, ऑफर नहीं है, इट इज़ एन इनविटेशन ठीक है ना. जैसे अगर आप लोग डीमार्ट वगैरह का एग्जाम्पल लो, या बिग बाजार में सबसे सस्ते दिन वगैरह जो आता था, वेडनेसडे पे इतना ऑफ है, 24th to 27th December पे इतना ऑफ चलेगा, तो वो इनविटेशन है ना, आप लोग जाओ देखो. आप फिर आपने वहाँ गए, आपने वहाँ पर प्राइस देखा, आपको जमा, आपने परचेज किया, तो वो हुआ ऑफर ठीक है. लेकिन जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आया वो क्या हुआ, इनविटेशन टू ऑफर. आ रहे समझ में. Yes, ma'am. बताओ सबको, कहीं पे डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे. हर्ष, रवि, नम्रता, आयुषी, बताओ बेटा कहीं कंफ्यूजन है कुछ भी. नहीं, अब नेक्स्ट देखो,
एक चीज और लास्ट, ये तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, अब एक 8 पॉइंट, एट। अमीयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है, जो एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस नहीं होता है, इनवॉइस वगैरह आप लोग बोल सकते हो जिसको, अगर आप सामने वाले से कहीं शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो आप सामने वाले से प्राइस पूछते हो ना, तो आपको अगर वो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दे देता है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो ऑफर है, ठीक है। आप रेट मांगते हैं या देखते हैं सिर्फ खुद देखने के लिए ना, फॉर द सेटिस्फेक्शन कि अफोर्डेबल है कि नहीं है, या फिर हम उस बजट में आते हैं कि नहीं। तो अगर आपने सामने वाले से या सामने वाला आपको प्राइस बता रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस कि ये इतने में मिलेगा, डिट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर, अगर वो एक वर्ड यूज करता है कि ये तो इतने में लगेगा, तो क्या वो ऑफर हो जाता है क्या? नहीं होता है। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये था ऑफर, अब अपन आएंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस में। सेम एज ऑफर, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑफर को ही क्या किया जाता है? ऑफर ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। याद रखना ये लाइन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कब बनेगा, जब आप ऑफर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है, सेम वही प्रीवियस कंडीशन, ओरली भी कर सकते हैं, रिटन में भी कर सकते हैं। इम्प्लाइड में क्या करते हैं बताओ? वही बस टिकट वाला सेम एग्जाम्पल इसमें ही लगेगा, जहां जहां पे इम्प्लाइड वर्ड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, एग्जाम्पल कोई बता सकता है मेरे को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का? ए और बी समझो, दो पार्टी है, बताओ। चलो इसको कंटिन्यू करो, ए और बी के एग्जाम्पल को। कोई मुझे अपनी कार सेल करनी है तुम्हें 15,000 में, तो अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ सिंपल, ऐसे ही तो बनाना है। देखो आप लोग सिंपल सा लिखना ना, ए ऑफर टू बी दैट ही वुड सेल हिज कार, ठीक है। कार क्या करेगा, सेल करना चाहता है फॉर रुपीज 15,000, ठीक। ये ए ने ऑफर किया बी को, एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए। बस आपको ये वर्ड मेंशन करना है अपने एग्जाम्पल में, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। हेंस ए इज ऑफरर। आ रहे समझ में? बी इज क्या है? ऑफरी। बस इतना ही तो बताना था बेटा, क्या था इसके अलावा? अब नेक्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस की मीनिंग में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, अब देखो, लीगल रूल्स टू एक्सेप्ट, जैसे हमने अभी लीगल रूल्स टू ऑफर पढ़े, सेम वैसे ही लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस। देखना सब अपोजिट होते जाएगा उसका, जो हमने फर्स्ट में किए ना अभी लीगल रूल्स टू ऑफर, बस वही अब ऑफर को जब एक्सेप्ट होते जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस। देखो फर्स्ट है, इट मस्ट बी Absolute and unqualified. देखो एब्सोल्यूट मतलब इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब ये ऑफर को कंफर्म करना चाहिए, इट मस्ट कंफर्म द ऑफर, ठीक है। आ रहे समझ में? ठीक है, तो एब्सोल्यूट जैसा आपको दिया गया है ठीक वैसा ही, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है यहाँ पे, इट मस्ट कंफर्म द ऑफर,
ये अनक्वालिफाइड का मतलब है कि डेट इज इट मस्ट कंफर्म द ऑफर, मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखो, इसका ये दो तीन एग्जांपल्स मैं एक बता सकती हूँ. सपोज ए ने ऑफर किया बी को कि टू परचेज अ हाउस, ठीक है, परचेज अ हाउस. अब देखो डेट भी मेंशन कर रहा है फ्रॉम 25 जुलाई, ठीक है. द ऑफर फॉलोड होगा किससे, बाय एक्सेप्टेंस, ठीक है. अब वो उसमें क्या सजेस्ट कर रहा है, 1st अगस्त. यहाँ पे डेट क्या है 25, यहाँ पे डेट क्या हो रही है 1 अगस्त, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है. और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, मींस जो ऑफर है वही एक्सेप्टेंस करना है. आ रहा है समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो, एम ऑफर करता है कि वो एक लैंड को क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक, $280 में, सॉरी पाउंड्स में समझो सपोज. और एन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक. वो क्या करता है, 80 pounds डाउन पेमेंट करने के लिए रेडी है और बाकी का जो अमाउंट है बैलेंस वो 50 pounds को इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, 50-50 pounds करके. ये देखो ये हो गया 280. तो ये क्वालिफाइड है क्या? ये हो गया अनक्वालिफाइड. एक्सेप्टेंस वॉज नॉट अनक्वालिफाइड. तो देखो ये जो अनक्वालिफाइड है इसको, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा होगा ना, किसी के माइंड में नहीं आया कि मैम अनक्वालिफाइड थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है? मैम लग रहा है. देखो आप ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखो, ऑफर के लिए तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, अनक्वालिफाइड हो जाएगी ना. उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहा है क्या? देखो एम ने ऑफर किया उसको 280 pounds पे, एन क्या कर रहा है 80 pounds उसको डाउन पेमेंट दे रहा है और बाकी 50-50 pounds करके वो बोलता है कि इंस्टॉलमेंट्स में देगा, तो बात बनेगी क्या बताओ? नो मैम. नहीं, ठीक है. तो जो एम के लिए है ये सिचुएशन क्या हो गई, क्वालिफाई करेगी कि अनक्वालिफाई करेगी? मैम अनक्वालिफाइड. नॉट अनक्वालिफाइड, ठीक है. तो ये ऑफर को ध्यान में रख के क्या हुआ है. अगर आपको और कंफ्यूजन लगे ना तो आप क्या करना, मैं आपको एक बताती हूँ. एग्जाम में ना इट मस्ट बी एब्सोल्यूट लिख लेना बस, ठीक है. आप अनक्वालिफाइड वाला जो वर्ड है वो वहां से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक. यस मैम. अच्छा आपकी क्लास है क्या अभी नेक्स्ट? यस मैम. ठीक है, ओके. आप लोग अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. थैंक यू मैम. ओके.